यूपी के मथुरा में आज बुधवार की सुबह पुलिस और एसओजी टीम की शातिर लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से पुलिस ने दो अवैध तमंचा, कारतूस, लूटा हुआ मोबाइल फोन और बाइक भी बरामद की है। एसपी सिटी एमपी सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में घायल विष्णु गौतम शातिर लुटेरा है। विष्णु पर पूर्व में 19 मुकदमे दर्ज हैं। इसने 2021 में होलीगेट पर सीआरपीएफ के रिटायर्ड इंस्पेक्टर की पत्नी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था और विरोध करने पर रिटायर्ड इंस्पेक्टर को गोली मारकर घायल कर दिया था। इस पर डीजीपी ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और हाल ही में इन बदमाशों ने महाराष्ट्र से वृंदावन दर्शन करने आई महिला से चैन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। थाना जैत और हमारी एसओजी टीम द्वारा आज एक इनपुट पे यहाँ पर एम्बुश लगाया गया था। उस एम्बुश में एक बाइक से दो सवार आते हुए दिखाई पड़े, जिनको उन्होंने रोकने का प्रयास किया। इस रोकने के प्रयास में बदमाशों द्वारा हमारी पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इनमें जो पहचान हुई, एक है विष्णु गौतम, जो 18 मुकदमे जिसपे पूर्व से दर्ज हैं, द्वारिकाधीश के पास सीआरपीएफ के जवान को गोली मार के चैन स्नेचिंग किया था, उसमें ये जेल हाजिर हुआ था। इसके साथ दूसरा प्रताप उर्फ छोटू है, जो इन दोनों ने अभी 16 तारीख को प्रियाकांत जू मंदिर के पास एक ई रिक्शा में जा रही महिला का चैन स्नेचिंग किया था। दोनों पे पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनकी और आपराधिक गतिविधि और इतिहास की जानकारी की जा रही है। पुलिस इनको जेल भेज रही है।